पूजा घर में अक्सर देखते हैं कि बर्तन संबंधी बहुत बड़ी गलती होती है और इसको लोग नहीं समझते और ये भी नहीं जानते कि पूजा का फल क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि पूजा ऐसी चीज़ है जो देवताओं को आकर्षित करती है, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। लेकिन ऐसे में पूजा घर में कई जगह तो हद ही हो जाती है, जहाँ मैला मैन के बर्तन, प्लास्टिक की डिब्बियाँ, तो ये सब ज़िंदगी भर गरीब रखती हैं इंसान को। इस चीज़ को समझना चाहिए। अगर आपको पूजा घर के बर्तनों की जानकारी नहीं है तो आज की ये जानकारी आपके बहुत काम की है। पूजा घर में सामान्य तौर पर स्टील के बर्तन भी रखे जाते हैं। अब स्टील के बर्तन कॉमनली घर में चलते हैं तो लोग लेते हैं काम में, तो स्टील के बर्तन अगर आप जैसे साप्ताहिक पूजा कर रहे हो या कभी कभी पूजा कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टील के बर्तन ले लो। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि स्टील के बर्तन पॉजिटिविटी को बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करते और स्टील के बर्तनों के द्वारा की गई पूजा सार्थक भी नहीं होती है। तो इसलिए जहाँ तक हो पीतल के बर्तनों का प्रयोग करें, तांबे के बर्तनों का प्रयोग करें तो अति उत्तम है। अति आवश्यकता में लेते ही हैं, मैं भी लेती हूँ कई बार पीतल के, ये जो स्टील के बर्तन हैं मैं भी लेती हूँ कई बार काम में। लेकिन आपको जो सही जानकारी है वो देना मेरा कर्तव्य है और उसी निमित्त मैं आपको दे रही हूँ जानकारी कि पूजा का अगर संपूर्ण फल नहीं मिल रहा है, बहुत समय से आप पूजा कर रहे हैं, तो अपने बर्तनों में बदलाव करें और स्टील के बर्तन बिल्कुल हटा के रख दें। स्टील के बर्तन की जगह अगर आप संपन्न हैं, चांदी के बर्तन, सोने के बर्तन, तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन, ये अति उपयुक्त हैं। और दीपक जो है मिट्टी का भी काम में ले सकते हैं। सबसे जो अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिलता है वो है पीतल के बर्तनों का। और पीतल के बर्तनों का क्या फ़ायदा है ये मैं आपको बताती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री और आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। परमात्मा आपको सभी खुशियाँ दे। इसी क्रम में आज एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रही हूँ। मित्रों, पीतल के बर्तन हमारे जो पूर्वज थे या प्राचीन बर्तनों को देखते हैं, मैक्सिमम उसमें पीतल के ही बर्तन मिलते हैं। तो पीतल के बर्तन इसलिए प्रयोग में आते थे कि पीतल के बर्तन बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि धर्म को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा पीतल के बर्तनों में सात्विक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो जब आप पूजा पाठ करते हैं सात्विक आपके भाव होते हैं, लेकिन जब आपके बर्तन उसके अनुरूप नहीं है तो वो भाव आपका देवताओं तक प्रेषित नहीं हो पाता। इसीलिए आपको पीतल के ही बर्तन पूजा में प्रयुक्त लेने चाहिए। तांबे के बर्तनों से जब आप पूजा करते हो तो मंगल ग्रह तो होता ही है, बढ़िया सूर्य भी बढ़िया होता है, लेकिन साथ साथ तांबे के बर्तनों की खासियत यह है कि तांबे के बर्तनों में देव तत्व को, सात्विक तत्व को ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो जब आपने देखा होगा कि मंदिरों में भी जो रामचार्य होते हैं या जो चरणामृत के पात्र होते हैं, मैक्सिमम वो तांबे के ही होते हैं। और तांबे के पात्र इसीलिए होते हैं कि उसमें जल पीना आप जानती हो वैसे ही बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन ताम्र पात्र जो होता है उसमें सात्विक तत्व को ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। और जब आप पूजा पाठ तांबे के बर्तनों में करते हैं, तांबे के बर्तनों के को यूज़ करते हुए करते हैं, तो आपके जो सात्विक मनोभाव है वो पूर्ण रूप से परमात्मा तक पहुँचते हैं और आके आपके अभीष्ट की सिद्धि होती है। तांबे और पीतल का प्रयोग सर्व मंगलकारी माना गया है और ऐसा माना गया है कि तांबे और पीतल के बर्तनों से जो मनुष्य परमात्मा की पूजा करता है, जिन बर्तनों का यूज़ करता है, उससे परमात्मा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उसके घर में खुशहाली बनी रहती है। किसी विद्वान से मुझे ज्ञात हुआ था कि जो तांबे के बर्तन होते हैं उसमें तामसिकता को नष्ट करने की क्षमता 70% तक होती है, बहुत ज़्यादा। तो आप सोचिए कि तांबे के बर्तन तामसिकता को, मतलब नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करने में कितनी बड़ी भूमिका अदा करते हैं। तांबे के बर्तन में जब आप जल भरते हो तो नेगेटिविटी 70% तक घट जाती है, जिसको कि तामसिकता बोलते हैं या नेगेटिव एनर्जीज बोलते हैं, और पॉजिटिविटी कई गुना बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही लाभदायक स्थिति हो जाती है। जैसे कि आपके घर में अगर पुराने बर्तन हैं, प्राचीन जो पूर्वजों के बर्तन हैं, तो उसको भी यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रख लें कि प्लास्टिक के बर्तन, मेलामाइन के बर्तन भूल कर भी भगवान की पूजन सामग्री रखने के रूप में भी प्रयोग में न लेवें। प्लास्टिक की डिब्बी आती है ना, जिसमें 4-5 खन होते हैं और उसमें लोग रोली चावल वगैरह भर देते हैं सुविधा के लिए, ये बहुत ही गलत है। आप या तो चांदी का लीजिए, नहीं तो छोटे छोटे जो बर्तन हैं किसी में भी, या कुछ ऐसी मसालेदानी टाइप ले लीजिए स्टील की, जिसमें आप रख सकें। हालांकि स्टील का प्रयोग भी मैं उपयुक्त नहीं बता रही हूँ, लेकिन विशेष रूप से जल अर्पित करने के लिए स्टील का बर्तन काम में ना लेवें, और भगवान को जो भोग आप लगाते हैं उसमें स्टील का बर्तन काम में ना लेवें। प्लास्टिक और मेलामाइन तो लेना ही नहीं है, भूल कर ही आपको। जैसे कि दीपक है तो दीपक स्टील का ना लेवें काम में, दीपक पीतल का ही लेवें पूजा स्थान में। स्टील का दीपक भूल कर भी ना लेवें, उससे नेगेटिविटी क्रिएट होती है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिन पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सुंदर दिखना चाहिए भगवान का मंदिर, भले ही उसके जो रिज़ल्ट है उनसे मतलब नहीं है। कोई आए आपके घर में गेस्ट बन के, वो आपका मंदिर देखे, स्टाइलिश चीज़ें देखें, चाहे वो मेलामाइन की चीज़ें, वैसे ही बहुत सुंदर सुंदर दिखती हैं।
तो उनसे उनको उनको पता नहीं कि रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने पूजा स्थान से प्लास्टिक के बर्तन, जो चाहे कितने भी सुंदर हैं, उनको उठा के फेंक दीजिए, और मेलामाइन के बर्तन भी फेंक दीजिए, तुरंत फेंक दीजिए उठाकर, क्योंकि वो आपके घर में बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ही नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, और मैं उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा।